तो भाई तुम्हारा खाना पीना हो चुका है? सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, और आज सुबह जल्दी उठ के मैं रेडी भी हो गया। देखो, नहा धो लिया मैं। तर भूख लग रही है बहुत तेज, पर मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मम्मी सो रही है, दीदी अंदर लेटी हुई। तो यार, तो भी तो खाने में कुछ नहीं बना। फिलहाल मैं देखता हूँ, बाहर जाता हूँ कहीं और कुछ खाते हैं, या फिर घर में लेके आऊँगा, घर में ला के खाऊँगा सबके साथ। अब देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल तो यार बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि ना मैं सुबह सुबह उठ गया था आज 9 बजे तक, 8-9 बजे उठ गया था मैं, और अभी 11:30 हो रहे हैं और अभी तक भूखा ही हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं करा, तो मैं कुछ लेके आऊँगा बाहर से खाने के लिए। तो गाइस, अभी मैं आया था बाहर, मम्मी तो उठ चुकी है, तो मैंने बोला कि दही मटर और वो लिया, तो मैं अपने लिए ना ये भी ले आया, सोयाबीन की चाप आती है। मम्मी ना सोयाबीन मटर के चावल बना रही है, तो मैं इसमें ना सोयाबीन चाप भी मिक्स कर दूंगा, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलते हैं ऊपर। वैसे भी मैं अपने घर पे आया और फिर से सामान लेने, मम्मी ने भेज दिया मेरे को। सामान लेके आता हूँ दोबारा, यार खाना भी तो बनना है अभी। चलो, तो मैंने सामान ले लिया, फिर से सामान ले लिया, फिर से घर जा रहा हूँ। फिर साथ में ऐसे ही होता है, मम्मी एक बार सामान मंगाती हैं, फिर भेजती हैं, फिर भेजती हैं, 2-3 बार ऐसे ही मंगाती हैं बार बार, कोई नहीं। जब खाना बन के रेडी हो चुका है, और देख रहे कुछ चाप, मैंने एक चाप ना अलग से अपने लिए स्पेशली इसमें डलवाई थी। साथ में मम्मी ने बनाया है, ये क्या है? ये टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी है मम्मी। साथ में टमाटर की चटनी और बनाया रायता और चावल सोयाबीन के साथ। तो गाइस, अभी शाम हो गई और शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ा चल रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, बाहर चलते हैं। तो गाइस, अभी मैं आया बाहर, बाहर इतनी ज़्यादा हुमस हो रही है ना, इतनी ज़्यादा हुमस हो रही है कि बस पसीने पसीने, पता नहीं क्यों, हवा इतनी सी में चल रही है। और ना बारिश का मौसम हो गया, देखो पूरा बारिश का मौसम हो गया, अंधेरा से छा गया एकदम से। शायद बारिश होने वाली है, बारिश हो तो बड़ी थोड़ी देर भीग लूँगा मैं, भीगूँ क्या, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तो मैं साइड में खड़ा होना पड़ेगा यार से। पर बारिश हो जाए तो बढ़िया है, देखते हैं, शायद बारिश का मौसम तो हो गया है। तो गाइस, अभी मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, और मेरे मोमोज खाने का मन, तो मैंने मोमोज पैक कर ले थोड़े से, तो घर पे जाके मोमोज खाता हूँ। मम्मी, तो गाइस मैं मोमोज तो ले आया, मोमोज खाते हैं आज, मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से नहीं खाया मैंने, बस खाते हैं सिर्फ फटाफट। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर फिर सब्जी लेने के लिए। मतलब ना ये है कि पूरे दिन घर के अंदर मेरी रेड लगी रहती है कि ये लाना है वो लाना, सब कुछ मैं लाता हूँ। मम्मी की तबीयत खराब रहती है, दीदी रहती नहीं है, तो मुझे लाना पड़ता है पापा ऑफिस में। सब्जी लेके आते हैं फिर, यार चलो लाना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, मैंने सब्जी तो ले ली, सब्जी ले ली सारी। तो गाइस, मैं फिर से बाहर आया था, अभी फिर से मैं आटा और थोड़ा सब सामान लेने आया था। आज मेरे पूरे दिन से ना रेड लगी पड़ी, मैं कितनी बार बाहर आ चुका हूँ, लगभग 5-6 बार तो मैं सामान लेने आ गया। अब चलते हैं फिर से ऊपर। तो गाइस, मैं फिर से बाहर आ गया और मैं 6ठी बार बाहर आया हूँ। तो मैं बाहर आया था और लेने आया था चाप, मम्मी मेरी 6ठी बार बाहर भेज चुकी है। अब मैं जाके ना अपने चेंज कर लूँगा कपड़े और लेट जाऊँगा, ताकि मैं नहीं लाना कुछ भी। तो मैं मम्मी ऐसी करती हूँ, भूल जाती है, तो एक एक करके मंगाती है सारा सामान। अपने घर पे भी आ गए, और घर पे आके मैंने सीधा अपने कपड़े चेंज कर लिए, मम्मी को बार बार जो ही बोलेंगे, अब तो रात हो गई वैसे भी कुछ सामान नहीं मिलेगा, और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मम्मी ने सुबह में कम से कम सुबह से अभी तक 7-8 बार बाहर, मगर नहीं गिना वैसे मैंने, पर एवरेज 7-8 बार मेरे को बाहर भेज दिए, जा जा जा, फिर जा फिर जा फिर जा। और हमारे घर थर्ड फ्लोर से फिर उतरना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। खाने बना रही है चाप की सब्जी, तो मैंने मेरे को फिर चाप लेने भेजी, सिर्फ 3 चाप लाया था मैं सुबह, तो हमें पड़ते थे कम, दौड़ लेके आया फिर मैं। अब वो बन रही है अंदर, तो वो खाऊंगा, और अभी मैं बैठ के देख रहा हूँ शिनचैन। मैं चाहे जितना बड़ा हो जाऊँ, पर ये जो है ना छोटे छोटे कार्टून आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, तो है ना दीदी। दीदी और मैं साथ बैठ के देखते हैं अभी भी, इस उम्र में भी, और दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है।
दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है, पर सब बोलते तो इतने बड़े हो गए तो देखते कार्टून भाई, मजा आता है ना दीदी। वो पहले आता था ना, वो आता था पहले क्या, हगी मारू आता था और ऑसवर्ल्ड आता था, ऑसवर्ल्ड याद है? और अभी हम शिनचैन देखते हैं, शॉन द शीप, हाँ, और हम अभी देखते हैं शिनचैन, डोरेमोन देख लेते हैं, मैट भी आता, वो भी आता था पहले क्या, तकेशिस कासल, तकेशिस कासल, तकेशिस कासल, और स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स, और टॉम एंड जेरी अभी भी आता है, मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज। पहले बचपन का टाइम कितना मस्त आया, हम तो अभी भी देखते हैं, अभी भी खाना खाते समय कैसे भी यूट्यूब पे देखते हैं, डोरेमोन शिनचैन कुछ भी सब देखते हैं, मजा आता है। तो कैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो आज खाने में क्या है कि ये सुबह के जो सोयाबीन मटर के चावल थे थोड़े बचे थे तो मैंने ले लिए, और चाप है, रोटी है, और प्याज काट रखी है, और चटनी, और मैं देखते हुए खाना खाते हैं। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, आपको देख कैसी आती है। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, क्या है यार आज, मतलब मेरी पूरे दिन रेड लगी हुई थी, ये सामान वो सामान, और ये पता है मैं घर से अगर सामान लाना होता है ना तो एक बार भी नीचे नहीं जाती, सारा सामान मैं लाऊंगा, चाहे सो के उठूं चाहे जो मर्जी करूं लाऊंगा मैं। अब तू हिलाता तो फिर तू हिला, कह दिया ना तूने, तू लाए पर मम्मी पता क्या करती, मम्मी करती है कि एक बारी में सारा नहीं मंगाती, एक एक करके याद आता है मम्मी को, सामान लिया अरे सारा जो भी लिया, फिर आया सारा जो भी लिया वो रह गया, बुराई नहीं कर रहा बता रहा हूँ। तो गाइस आज फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो अभी करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, उससे आपको मेरी सारी न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो बाय, गुड नाइट। और अभी मलाई चाप क्यों बोल रहा हूँ मैं।